दोस्तों नमस्कार, ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों जब आप जमीन लेते हैं तो ऑनरशिप ट्रांसफर के बाद आपके खसरा के कॉलम नंबर 12 में कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे नामांतरण का आदेश लिखा होता है जिसकी कॉपी किसी के पास नहीं होती। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आप नामांतरण के आदेश की कॉपी ऑनलाइन के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी नामांतरण का आदेश होता है उसको RCMS के पोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य है, जो कि विभागीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। आप चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में हम आपको बताते हैं कि नामांतरण का आदेश आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं नई जानकारी सबसे पहले देखने के लिए। नामांतरण का आदेश डाउनलोड करने के लिए आपको RCMS की वेबसाइट में जाना होगा। RCMS की वेबसाइट में जाने के बाद होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको आदेश डाउनलोड करें, आदेश डाउनलोड इस ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपको तीन हेड दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपके पास जो भी डिटेल है तो आप अपना ऑर्डर सर्च कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो ये मोबाइल नंबर या आवेदन क्रमांक से सर्च होता है, विलेज वाइज सर्च होता है, तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। इसके लिए आप पहले ऑप्शन से सर्च करेंगे, यहाँ पे अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको न्यायालय सेलेक्ट करना है। अब आपका जो भी न्यायालय है, डिवीजन में है, जिला में है, SDM, तहसील, जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो न्यायालय है कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे सब न्यायालय सेलेक्ट करेंगे। ये तीन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। या तो आपके पास KSID होना चाहिए जिसके माध्यम से आप सर्च करेंगे। अगर आपके पास KSID नहीं है तो आपको डेट पता होनी चाहिए कब ऑर्डर पास हुआ था, तो आप दो डेट डाल देंगे यहाँ पे, कब से दो डेट के बीच का वो यहाँ पे सारे ऑर्डर दिखाएंगे, उस पर आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। अभी हमको KSID पता है, हम KSID डाल देंगे। ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप सर्च करेंगे। इस प्रकार से आपका नामांतरण का जो आदेश होगा दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कब रजिस्ट्रेशन किया गया है, ये पूरा प्रकरण क्रमांक है जिसे आप KSID बोल सकते हैं। यहाँ पे वादी और प्रतिवादी का डिटेल दिया हुआ है, किस आधार पे नामांतरण किया गया है ये दिखाया जा रहा है। ये जमीन बेची गई है, उसके ई पंजीयन जो हुआ है, रजिस्ट्री जो हुई है जमीन, उसके बेस पे इस जमीन का नामांतरण किया गया है, ऑनरशिप ट्रांसफर किया गया है। कब ऑर्डर पास हुआ है ये यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एड्रेस दिखाई दे रहा। अब उस ऑर्डर को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ डाउनलोड में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगी, वन वन में आप क्लिक कर देंगे, आपका ऑर्डर PDF फॉर्म में सेव हो जाएगा। इस प्रकार से ऑर्डर आपको दिखाई देगा पूरा, और ये तहसीलदार का पूरा पूरा मामला क्रमांक लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप किसी भी जमीन का नामांतरण का अगर आपको आदेश नहीं मिल रहा है जो कि आपके खसरा में अंकित होता है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी कॉपी आपको अपने पास रखनी चाहिए, इसकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।